तेरे लक्ष्य करें तो वर्तमान हमारे नयागढ़ कवि जदुमणि महापात्र राघव व्यास रचना कर राघव व्यास मधर आम के पद आलोचना करतव्यपथ लक्ष्य कर रावण सीता चोरी कर एवं कपिवृक्ष सैन्यमान रामचंद्र समुद्र रे सेतु बंध बांधि वर्तमान सुबलया पर्वत रे पहुंचछन्ति एई समय रे रावण आगरे जने दूत जाय वार्ता प्रकाश करछन्ति हे पूर्व देवता सर्वरी भेद ने दूत वार्ता कोला प्रकाश अशोक बने लक्ष्य करें पूर्व देवता सर्वरी भेटा गे दूत वार्ता कला प्रकाश पूर्व देवता पूर्व देवता की राक्षस असुर दत्त दैतेन्द्र दानव शुक्र शिष्य दिति सुधा हां ये जो पूर्व देवता की राक्षस राक्षस चंद्र की रावण पूर्व देवता सर्वरी भेटा गे सर्वरी की रात्र चंद्र असुर कुल चंद्र की रावणेश्वर आगे जने दूत जाय वार्ता प्रकाश करधु बंधु सिंधु मूले प्रवेश हे महाराज अशोक वनस्थर जो मधु की सीता बंधिनी हो शिशु वृक्ष मूल बस बंधु वर्तमान की रामचंद्र से सुबलया पर्वत पहुंचल बंधु सिंधु कूले प्रवेश हास्य रसरे हसी भासी अच्छा अच्छा रावणेश्वर अट्टहास करी कहिले कौन भली से जटिया मोर कौन करी परिबो काहे कि ना मु जल मध्य रे वास कर से मोर कौन कर परिबो से कौन पे आसी छी मु भाभी पर छी कौन पे से आसी छी कौन पे नारी बिहुने बारी धी झासे तनु नासिबो बोली आसी छी तारो जो नारी की सीता तारो पीछे दरे बारी धी की समुद्र तनु की देह बेसे सीतांकर पीछे दरे समुद्र रे झास देबा पे आसी छी अच्छा 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 से मोर कौन कर परिबो एही समय रे रावणेश्वर भाई विभीषण गोटे पद कौन हेले
विभीषण सभार थाई रावणेश्वर को कहूँ कौन बली कौन बली कहूँ कौन बली पद्धति अनुज पवन तनुज गमन जाई देखा जी अच्छा अच्छा हे भाई पवन तनुज की हनुमान बेस से हनुमान थरे मात्र तो लंकापुर को आसी थिले से कौन कर थिले कौन कर थिले ना ये लंकापुर टा को पोड़ी पाऊस कर दी थी प्रज्वल ज्वलन शिखा दे अच्छा 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 प्रभु रामचंद्र आसी पहुंचिले से ब्रह्म बाण रे तोर ये लंकापुर को सह परनाति सहित समस्त को से भस्म कर देबे बे रावण को परत्र चाहि कहिले कोन बोली तू मो भाई होई से रामचंद्र कथा मो अगर कहुछु हा हा ये कृपा न होई तबले विभीषण को चाहिले प्रहस्त मंत्री सभारे थिले से ताकु शीतल भाषा रे कहि रावणेश्वर को शांत करैले हा हा पोने गोटे पद कोन बोली कहिले कोन बोली जे रावणेश्वर कोन बोली कहछंदी कोन बोली केसरी गई भूत भवि पर भवि शिव रे नारे भगोई सेवन सेवन वासी रे शरण शरणी रे प्रिय मुसाई कहे रावण रावण चाहि रखले सखी रावण रण विभीषण हसिले सत्य रावण हनु विभीषण हसिले विभीषण सभारे थाई कहिले कौन बोली हे भाई हाँ दृष्टि तंकु न्यास फल की पाई सो साहा को हेबो से पंचक अच्छा अच्छा तमे ओष्ठरुद्र कामुड़ी जाहा को मारिबा पई चाहू छ हेले ए निंदा हबो पंचक मान निंदा रे काहा को हबो काहा को लोके कहिबे निजे राजा निजो भाई की निजो हस्तरे विनाश कर अच्छा अच्छा किंतु मो मत रे तमे कहि के मारियो मृता हो जे जम जम पाखरे तो तांकर मृत पांजी अछि हा 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 एणु करी तमे जम को कहिबा चित्रगुप्त को कहि तांकर नाम डाल फेई दियं अच्छा अच्छा से निजे आपे आपे मरि तमे कहि के मारियो रावण ठीक कथा बोली भाबिले भाविया समरे पुणी विवेचन गोटे पद कही छथि कोन कोन बोली ना सिंधु मध्ये स्थिति स्वर्ण खिति सिन्न सिंधु की समुद्र हा 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 समुद्र मध्य रे स्थित बा खिति मारे पृथ्वी बुझिले भोर भूमि रे चलनंतर सा विश्वंबरा स्थिरा धरा धरित्री धरणी खेवणी जा काश्यप कृति सर्व स्वहं वसो दिवसो थवि वसो धारा
गोत्रा को पृथ्वी पृथ्वी तन बनरमेति महि इति भूमि वर्गः समुद्र मध्यरे खिति माने पृथ्वी की स्वर्णमय लंग सिंधु मध्ये स्थिति स्वर्ण खिति सिन्न सिन्न माने खिन नाभस्पति जोगो पाहि पवन स्वाति माने पवन पवन आसले जिमिति ए मुख्य मानक जहा से उड़े रे आर पर उठे कि सही परी ए रामचंद्र को लंका पर आसले तोरे नाप ना टाक बा तोरो ये लंका पर टाक आर पटे ओल्ले दे बे विभीषण एपरी कहते रावण क्रोधान्वित हो कहले पापिष्ट तू बड़ भाई की उपदेश दौ कौन और तू भाई मु कौन से लटिया को डरी गिरी लंका भीतर अछि नहीं कौन गुटे उत्पद कहले कौन भाई ओ केसरी गर्भ भवि पर भवि सिवारे हे बारे भाबोई अरि कवन सेवन सिरे सरो सरणिले दियो साई मोहि रावणे रावण चाहि रक्षा देला पुणि रावणेश्वर विभूषण को कहले कौन बोले केसरी गर्भोद भवि परा भवि सिवारे हेबारे भवई रे पापिष्ट केसरी की सिंह सिंह मृगेन्द्र पंचास्य हरि दक्ष केसरी हरि ही इति वनस्पति वर्ग केसरी माने सिंह सिंह गर्भरे जन्म लाभ करी शिवा माने सुकाल बा बिलुआ तो बिलुआ पर विचार कर छ मत उपदेश दउ छ जवन सेवन वासी शरण जवन माने चंचल चंचल से ही वनवासी रामचंद्र को पाद तले जाई शरण तो तेसे रामचंद्र की परी रक्षा करियो कहने कर धरी स्वभाव खाओ स्वभावंत होइ चले महि रावण को जति बेले रावणेश्वर आज्ञा देले ए कहिले विभीषण को अति शीघ्र ए लंकापुर रु बिताड़ दो अच्छा अच्छा विभीषण करमा हस्त को धरी महि रावण सभारु नै कोटि छले लक्ष्य करू हां हां दुर्ग प्रकार परि करि जंते अनंत विष्णु पातंज अभिरे रावण आनंद को भक्ति रो धम को समाप्त नै जंते हां रोही भाविले रावण आनंद राही भाविले रावण आनंद धन धम को पूरा होइ जो चारु चरणे शरण पशी जाई रे Thank you.
विभीषण महिला बन हस्त धरी लंका पाचेरी पाखे ठिया करे कौन है दुर्ग प्राकार पारिकरी जंते अनंत विश्रवा दुर्ग माने गड़ प्राकार माने पाचेरी महिला बन लंका गड़ पाचेरी की पारी करी जंते अनंत विश्रवा तो जो अनंत के आकाश मार्ग रे रही विभीषण विचार कर भाविले रथांग शंख जब एकात पत्रांबुज ध्वज विचार कर विभीषण से भगवान देहरे अष्टाद शंख चक्र गला पद्म नथिले मध्य अष्टादश शोभा पाउ अछि चारु माने सुंदर मु जाई सेही सुंदर चरण रे आश्रय अच्छा अच्छा दया लिखे तन केतन उड़ुछि भय हेबो काही पाही रे भगवान कर ये संसार मध्य रे पतित पावन बोली गोटे बाना उड़ुछि एणु करी निश्चय मुजाई सेही रामचंद्र को चरण अरविंद रे आश्रय लेबी विचार करछन एई समय रे केते को कपिंग कर दृष्टि पड़ला विभीषण कर शरीर ऊपर अच्छा अच्छा कोन है छी कोन है छी एकरे कपि सृष्टि की दृष्टि दृष्टि हेला विभीषण पिंडे दे अमीन राम आनंद लो भक्ति रे धर्म सामने तू फले दे अब से भला श्री राम सरनाम श्री डकिले दनुज राजे लभे शोभला भाविले कौन विभीषण आकाश मार्ग समय कपि मान दृष्टि पड़ा विभीषण पिंड एकाले कपि सृष्टि की दृष्टि वृष्टि हेला विभीषण पिंडे जो सुबलया पर्वत रे कपि रुक्ष सल्ले मारी बास करथिले ए विभीषणंकर रूपटा को नेत्र देखि केतक कपि विचार करछन कोन बोली यार में लागो सुन हां हां हेले विचार करछन भाविले रावण आनंद दधाति रथम सम के तू खंडे अच्छा अच्छा कपि माने विचार करछन कोन बोली रावणेश्वर तारो जागो करिवा हेतु तारो धुआं खंडे नभे माने आकाश रे शोभा पाउछ सेते बेले सुग्रीव कहते हे महाराज हां हां देखन नभे शोभन होई अछि देखो राज रे अच्छा अच्छा आकाश मार्ग रे कि परि शोभा देखा जाउछ सेते बेले विभीषण अपिरुक्ष सन्नवानंकर कथा वार्ता को कर्ण रे सुनी से शून्य रे थाई कहिले कोन बोली कोन बोली श्री रामे शरण पश्चिमी डाकिला धनुज राज अनुज सेते बेले विभीषण कहिले हे कपिरुक्ष सन्नवाने वर्तमान मु रामचंद्र को चरण अरविंद रे आश्रय नवा को आसीछि हा हा शरण पश्चिमा को आसीछि तुम्हें जाई ताको को अच्छा 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 सेते बेले सुजीव कोन कले कोन कले कर प्रसार रस सौचारी मर्कट मुकुट अलंकार रोमारो मन प्रेमानंद कले आसले सर
ଅଳଙ୍କାରୀ ମର୍କଟ ମୁକୁଟ ଅଳଙ୍କାର ମର୍କଟ ମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ। ସେ ସୁଗ୍ରୀବ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଡାକକୁ ଶୁଣି ଦୁଇକରକୁ ପ୍ରସାରି ଡାକିଲେ ଆସ ଆସ ପୁଣ୍ୟ ଜଳବାଣୀ ମୂଲ୍ୟବନ୍ଧ ଶୁଣି ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ତତ୍କାଳ। ସୁଗ୍ରୀବ ଡାକି ଦିଅନ୍ତେ ବିଭୀଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ତୁମାର ମନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସୁଗ୍ରୀବ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କଳାକୃତ କରିଦେଲେ ବୁଝିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାପତି ତୁମର ଆଜିର ସବୁ କୁଶଳ ତ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ। ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦେ କହିଲେ କଣ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନ ପରି ରମ୍ଭର ତମ୍ଭ କର ମୋତେ ରଖାଇ ଶରଣ ରକ୍ଷାବନ୍ଧା ସମର ରଣ ମାତାରେ ଯାଇ ଚପଳେ ବିଭୀଷଣ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲି ହେଲା ନେତ୍ର ଗାତ୍ର ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନ ପରି ରମ୍ଭର ହେ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ମୋର ଗାତ୍ର ମାନେ ଦେହ ଏବଂ ନେତ୍ରଟି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦମ୍ଭକର ମୋତେ ରଖାଇ ଶରଣ ରକ୍ଷାବାଲା ବନ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତୁମର ଯୋଉ ରକ୍ଷାବାଲା ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସି ନାହିଁ। ଦମ୍ଭକର ମୋତେ ରଖାଇ ଶରଣ ରକ୍ଷାବାଲା ବନ୍ଧ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରଣ ବାର୍ତ୍ତାରେ ନୁହଁ କୁହାଯାଇ ଚପ ତମେ ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷ ରକ୍ଷ ପକ୍ଷ ମହିମଣ୍ଡଳ ସେ ଯଦି ମୋତେ ରକ୍ଷା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବ କଣ କଲେ ପ୍ରୀତିରେ ଘରେ କର ଚୋରି କହନ୍ତ ସାନରେ ବୀରବନ୍ତ ସେ ସଢ଼ିଲେ ରକ୍ଷା ସତ୍ରସ୍ତରେ ହେଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ବୋଲି ଦଶ ମସ୍ତକ ହସ୍ତ ପାଠ ପୁସ୍ତକ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ସେଇ ହସ୍ତରେ ରହମସ୍ତରେ ହେଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଶୁଣି କପି ମଣି ଗତି ତ ଏକ୍ଷଣି ପ୍ରୀତିରେ ମତେ କି ମଜା କପିମଣି ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ। ସୁଗ୍ରୀବ ବିଭୀଷଣଙ୍କର କଥା ଗୋପନରେ ଶୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୀତାନାଥରେ କର ଯୋଡ଼ି କହନ୍ତି ତୋ ସାନ୍ନବେ ଭାଷା ଭାଷୋଇ ସୀତାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ମୈତ୍ର ସେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୈତ୍ର
रावण भाई विभीषण से आपण पाद तली शरण पशिया तो सन्न भाषा भाषा वीर मंत से सढ़िले राक्षस अस्त्र हे प्रभु आज ए दशम मस्तक अस्त पाठ पुस्तक दशम मस्तक की दशानन तार आयुष मुणाटी आसे आम हाथ में पहुंची जी हे प्रभु से भगवान राम कहले कौन बोली कौन बोली हाँ सुसन मुख को चाहिए घुमणी घुमणी कुमार कहले हे दूषण मोर शरण लंका भ्रमण अनुजी तब पति मत बेसिले सुषण मुख को चाहे रघुमणि दुमणि कुमार कहले दुमणि की सूर्य सोर सूर्य जमादित्य बद सात पंडिवा ग्रह भास्कर हस्त विधंक भाकर विभाग रहा भास्वत विवस्वत सप्तास परिदोष स्वयं स्वयं विकोरा कुमार तंड में हीरा गुण पूजन दुमणि स्तनि विक्र स्थित भार विरोचन विभाग सुग्रहपति स्त्री साह भतेरपति भानुवंश सहस्रांश सप्तम सविता रवि इति स्वर्ग वर्ग रघुमणि दुमणि कुमार कहले हमारी कुमार की सुग्रीव सुग्रीव जो रामचंद्र को कहले से रामचंद्र कौन कहले कहले मित्र मु आग्रह सहित दया भाव नहीं मो तांको को शरणागत मो पाद तले तांको आश्रय देली से निजे आसी मो पाद तले शरण बसंतु एही पर विभीषण आके शरण बसी थिले एनु आपण मान को मोर कि विनती आ के पड़े नाटक को जीवा गया कि हम को के आश्रय विदा दियो।